तो हेलो सब्सक्राइबर्स एंड न्यू विजिटर्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं नंबर प्लेट कलेक्शन। अगर आपकी नंबर प्लेट चोरी हो जाती है, आपने पूरा प्रोसेस पूरा कर लिया है। जो प्रोसेस होता है नंबर प्लेट इशू करवाने का, आपने पूरा कर लिया है। तो कलेक्शन कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। मैं हूँ रियाद में और अभी जा रहा हूँ रौदा ट्रैफिक पुलिस। मैंने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था। नंबर प्लेट किसी ने मेरी चोरी कर ली थी या गिर गई, मुझे नहीं पता है। तो मैंने कंप्लेंट वगैरह करके प्रोसेस कंप्लीट करके सबमिट कर दिया था मैंने ट्रैफिक पुलिस रौदा में, जो मेरे पास में पड़ता है। आपके पास में जो पड़ता है उसमें आप सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन। तो मैंने यहाँ पे सबमिट किया था। पूरा प्रोसेस मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में। तो अगर आपकी नंबर प्लेट चोरी हो गई है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एक ही वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, नंबर प्लेट चोरी हो जाए या गुम हो जाए, गिर जाए कहीं पे, तो कैसे आपको इशू करवाना है नंबर प्लेट सऊदी अरब में। मैं हूँ रियाद में। तो मैंने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था, अभी जा रहा हूँ कलेक्शन के लिए। कलेक्शन यहाँ कैसा सिस्टम है, यहाँ पे कोई मैसेज वगैरह नहीं आता आपके मोबाइल पे कि आपकी नंबर प्लेट आ गई है। आपको फिजिकली जाके चेक करना पड़ता है नंबर प्लेट आई है कि नहीं। नंबर प्लेट अभी यहाँ दूसरे मॉडल की चली है, लंबी वाली, लॉन्ग साइज की नंबर प्लेट जो है वो आई है। वो अगर आपके पास नंबर प्लेट है तो जल्दी आ जाती है, 3 से 4 दिन 5 दिन में नंबर प्लेट वो आ जाती है। और अगर आपके पास छोटी गाड़ी है और आपकी नंबर प्लेट छोटी वाली है, तो उसमें टाइम मिला था मुझे 15 से 20 दिन का टाइम मिला था। उसने कहा था लगभग 1 महीना भी लग सकता है। मैंने पूछा था कि नंबर प्लेट आएगी तो मैसेज आएगा कि नहीं आएगा, या कोई जानकारी, कोई मेल वगैरह, तो बोले नहीं, मेल वगैरह कुछ नहीं आएगा, नंबर प्लेट मैसेज भी नहीं आएगा, आपको फिजिकली चेक करना पड़ेगा। तो लगभग हो गए हैं आज 20 22 दिन हो गए हैं सबमिट किए हुए एप्लीकेशन। तो मैं जाके चेक करना चाह रहा हूँ कि नंबर प्लेट आई कि नहीं। तो थोड़ी दूर बचा है यहाँ से 10 मिनट, देखते हैं। 2 बजे का क्लोजिंग टाइम है और यहाँ पे 1:13 हो गया है। देखता हूँ ऑफिस खुला मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर ट्रैफिक पुलिस का ऑफिस खुला मिल गया तो हो सकता है नंबर प्लेट मेरी आ गई है, क्योंकि टाइम हो चुका है। अगर नहीं आई होगी तो 4 5 दिन में आ जाएगी। वहाँ पे चल के मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। नंबर प्लेट मिलती है तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहना। अच्छा, वीडियो नंबर प्लेट लेने के लिए आपको एक पेपर देते हैं वो लोग, ये पेपर देते हैं। आपको नंबर दिख गया होगा मेरी गाड़ी का, तो ये पेपर देते हैं आपको। ये पेपर वहाँ पे जाके दिखाना है, इसी पेपर से वो लोग नंबर प्लेट अगर आई होगी तो आपको दे देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे चल के मैं आपको बताता हूँ नंबर प्लेट मेरी आई है कि नहीं आई है। आई होगी तो दिखाऊंगा, नहीं आई होगी तो आगे की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ।
तो मैं भी आ गया हूँ रौदा ट्रैफिक पुलिस, यहाँ पे SPL का ऑफिस भी है, ये जो यहाँ की कोरियर कंपनी है सरकारी, ये SPL, और ये रहा रौदा ट्रैफिक पुलिस। गाड़ी कहीं पे लगा देते हैं और हम चेक करते हैं मेरा नंबर प्लेट आया कि नहीं। वीडियो अंदर नहीं बना सकते क्योंकि वहाँ पे वो काम करने वाले ऑफिसर्स हैं, और यहाँ पे रूल्स है कि किसी का फेस नहीं आना चाहिए वीडियो में। तो आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ गेट। हाँ तो गुरु, हम आ गए थे रौदा ट्रैफिक पुलिस में, और यहाँ पे प्रोसेस क्या हुआ है, सिर्फ आपको स्लिप दिखानी है, टाइम पूरा हो गया हो आपका और स्लिप दिखानी है आपको। वो लोग अंदर सर्च करेंगे, नंबर प्लेट आपकी आ गई होगी तो आपको तुरंत दे देंगे। मेरे जैसे आना, मेरा यहाँ पे कामयाब हो गया। मुझे लगता था अभी नहीं आई होगी नंबर प्लेट, लेकिन नंबर प्लेट मेरी आ गई थी, तो मैंने यहाँ से आके कलेक्ट कर लिया है नंबर प्लेट। मैंने कलेक्ट कर लिया है, आप लोग को भी कलेक्ट करना है तो आसानी से बिल्कुल कलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली वीडियो मेरी देख लीजिए, मैंने पूरा प्रोसेस बता के रखा है कि नंबर प्लेट अगर चोरी हो जाए, गिर जाए, टूट जाए, तो आपको कैसे अप्लाई करना है और कैसे री इश्यू करवाना है नंबर प्लेट। तो मुझे लगता है वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, अगर आ गई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। जानकारी वाली वीडियो में अपलोड करता रहता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं आने वाली एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।